अगर आप लोगों का हो गया होगा तो प्लीज हम पार्टी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं पार्टी करने आई हूँ। तो आओ करते हैं, इधर सारी जगह खाली है। वो उसे पार्टी नहीं बोलता है बे स्टूपिड। वैसे हम दोनों की ड्रेस मैच कर रही है ना? हाँ सेम। थोड़ा आउटफिट दिखाना आपका बढ़िया सी। हाँ? ऐसे नहीं, कपड़े कपड़े उतार के। ये बात बहन के। कपड़े उतार के तू आउटफिट देखेगा। अरे रहने दो रहने दो रहने दो दीदी। लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल तुमसे ना हो पाएगा। ई रही तुम्हार खाना। तुम्हार खाना। अरे चाचा हम लड़का बा, हमरा के छिनरवा छोरा भी मंजूर बा। मतलब मैं दूर से आपको देख रहा था, मैंने सोचा कि इस लड़की को पकड़ लेता हूँ, दबोच लेता हूँ ऐसा। कुछ भी कुछ भी, कुछ भी। पकड़ मेरे को जानता नहीं है। लो ऐसा सोचता नहीं हूँ, मेरी गंदी सोच नहीं है। बाय द वे पीछे क्या है आपके बैग? बहुत ज्यादा बोझ उठा के चल रहे हो यार। नाम क्या है आपका? इसमें बुक्स है इसमें। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इतना सारा बोझ उठा के चल लेते हो आप? हाँ। तो मेरा भी 5-6 ग्राम का नीचे बोझ उठा लोगे? तो काट के दे दे, उठा लेगी वो। नानी मैं जा रहा हूँ। बाय बेटा। मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा बाय। अरे नानी मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे पैसे तो दो यार। मैं गिरा हुआ तो सबसे बड़ा नीच। माउंटेन व्यू डर की मार। मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया, कहता आप नहीं जा सकते। पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, कहता ये देखिए। हाँ। आपको पहली नजर में पसंद आ गए थे? नहीं मैंने देखा ही नहीं। तो जब आपने इनका घूंघट, इन्होंने आपका घूंघट उठाया, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? जब आपने आंखें मिली आपस में तो क्या बोला इन्होंने आपसे? फिर कुछ नहीं, नाम पूछा मेरा। नाम भी नहीं पता था? तो फिर क्या दूसरी बात क्या बोली? एक तो नाम पूछा, फिर क्या बोला? और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद मतलब ना। कब से काम कर रही हो? बचपन से। अरे पिताजी भी कारपेंटर थे। अरे हमने पढ़ाई की है इसकी। अच्छा इसकी पढ़ाई भी होती है? बिल्कुल होती है। तो लेकिन लोग पढ़ते जाते थे, किताब लेके जाते थे, लकड़ी लेके जाते थे। अंकल जी तुमको इतना ही पता होता तो। कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने कभी अपनी पत्नी के दबाए हैं? मैंने पहली बार दबाए थे कि पत्नी बन जाओ, फिर दबाए क्योंकि पत्नी बन गई। आपने सर किसकी पत्नी के? पैर, आपके आपके पति ने दबाए। हाँ पैर। ऑडियंस ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट किया। सो मेरे गानों को भी बहुत प्यार दिया और मेरी और खेसारी जी की जोड़ी को भी बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑडियंस का। थैंक यू सो मच। पता नहीं चला कि नींबू खरबूजा कैसे हो गया। गिरा होया बंदा जमानी। बड़ा आरामी किस्म का आदमी भाई। तो नन्हे भाई आप मुझे ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं? देखो सरपंच साहब, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। हमारी लड़की इस लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। आप इसकी इससे शादी करा दो और मुझे एक फॉर्च्यूनर, 50 तोले सोना और 50 लाख रुपए, बस ये दिलवा दो बस। तो इस हिसाब से मुंह में कितनी बार लोगे? मैं मुंह में क्यों लूंगा भाई, और बोल लेगा फिर। बात अगर फॉर्च्यूनर की है तो हमारे मुँह में दे दो, लेकिन हाँ कलर जेट ब्लैक में। एक निर्दलीय प्रत्याशी 2024 के इस चुनाव में ऐसे ऐसे वादे कर रही हैं कि सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन महिला प्रत्याशी का कहना है कि अगर वे सत्ता में आती हैं तो जनता को, गरीब लोगों को फ्री में विस्की और बियर बंटवाएंगी।
इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि गरीब लोगों के लिए गांव में बियर बार बनवाया जाएगा। उसे भी पता है कि हाँ गरीबों को खाना भले ना मिले लेकिन साला देसी ठर्रा जरूर मिलना चाहिए। क्या दिन आ गया मेरा साला, इस कुत्ते के पिल्ले के साथ सोना पड़ रहा है। अरे गणेश जी तुम यहाँ क्या कर ले हो, तुम तो आज यूमिको के साथ ओयो जाने वाले थे। अरे यार कैसे जाऊँ, मेरा पप्पू 3 दिन से उदास पड़ा हुआ है। हैं पप्पू उदास है मतलब? कल क्रिकेट खेलते खेलते वहाँ पे बॉल लग गई थी, तब से पप्पू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे पप्पू को ठीक करना पड़ेगा। मुझे अपने साथ ले चलो, लाइट बुझा के मैं तुम्हारी जगह कबड्डी कबड्डी कर दूंगा। अरे भाई आइडिया है, पप्पू ठीक हो जाएगा। अरे यार मुझे भी बताओ क्या आइडिया है। भले भाई सारी रात डिंग 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 करने वाला चूरन बना रहे हैं, उसको धीरे से चुरा लेंगे, फिर मैं सारी रात डिंग डिंग करूंगा। बिस्तर सजा के रखना, लेने तुझे ओगोरी आएंगे तेरे सजना। आखिरकार मेरा मानव फोर्स का चूरन बन ही गया, मैं आ रहा हूँ सोनम। तेरे दोनों जितने ट्रैप्स है ना, पहली बात तो है ही अति तसल्ली के लिए चल रख देते, इतना अकेला ना पूरा राइट वाला। ऐसा क्या करते हो? हाथ धो गई यार, तू समझा? हाथ धो गई यार। मिन्नू एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान उसके बीवी बच्चों को सुखी रखे। अब हम उसके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान जी, इस बर्थडे पे मुझे पापा जी से वीडियो गेम दिलवा दो प्लीज। जान दे हो गए 9:45 नी तू सोनी वाली करदा दिल मिलने नु काली खातों तू डरती कुड़िए लाली मेरे नाचे यारी ओए होए नी तू सोनी। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 35 साल का आदमी 14 साल की लड़की को दिल दे बैठा और प्यार में नाकाम होकर लड़की को बम से उड़ाने की योजना बना ली। प्यार में अधेड़ ने 14 साल की लड़की को प्रपोज कर दिया और जब लड़की ने मना कर दिया तो गुस्से में बौखलाए उस अधेड़ ने लड़की को उड़ाने के लिए यूट्यूब से देखकर बम बना लिया। यूट्यूब से देखकर बम बना रहे थे, वाह भैया वाह।